हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस। मेरा नाम विवेक सिंह राठौर है एंड मैं आपको इस वीडियो लेक्चर सीरीज के थ्रू छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ। ये इस लेक्चर सीरीज का 34th लेक्चर है एंड मैं अब इस लेक्चर में मिनरल रिसोर्सेज ऑफ छत्तीसगढ़ स्टार्ट करूंगा। इससे पहले हम लोगों ने बहुत अलग अलग रिसोर्सेज देखे, जिसमें पिछला जो लेक्चर सीरीज था वो फॉरेस्ट रिसोर्सेज के ऊपर था। मिनरल रिसोर्सेज भी काफी इंपॉर्टेंट है रेवेन्यू वाइज, ठीक है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसका वेटेज भी काफी है, क्वेश्चन हमेशा आते ही हैं उस एरिया से, ठीक है। और इसमें हम लोगों को देखना है कि सबसे पहले इकोनॉमिक सर्वे देखना है कि इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से किस मिनरल रिसोर्सेज हमारे छत्तीसगढ़ के इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट डाला था, कितना उसका कॉन्ट्रीब्यूशन था। उसके बाद हम लोग को पूरा छत्तीसगढ़ एज अ होल देखना है कि कौन से टाइप के मिनरल किस किस एरिया में पाए जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग अलग अलग जो रिसोर्सेस हैं, जैसे मतलब अलग अलग मिनरल हैं, जैसे कोल है, आयरन है, लाइमस्टोन है, डोलोमाइट, ठीक है, बॉक्साइट, टिन वगैरह वगैरह जितने भी अलग अलग टाइप के मिनरल है उसका हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे कि कौन सा मिनरल कहाँ पे पाया जाता है, उसकी कौन सी टाइप हमारे पास पाई जाती है, उसके रिजर्व कितने हैं, उसका प्रोडक्शन कितना होता है, उसका परसेंटेज कितना है, शेयर कितना है, सब कुछ हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो कि है मिनरल रिसोर्सेज ऑफ छत्तीसगढ़। ये इस लेक्चर सीरीज का 8th चैप्टर है, मिनरल रिसोर्सेज ऑफ छत्तीसगढ़। अब कुछ हम लोग फैक्चुअल चीज देख लेते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आजकल काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो है इकोनॉमिक सर्वे का डेटा जो है, इकोनॉमिक सर्वे 2017-18, ठीक है। ये सारे डेटा हर साल चेंज होते रहते हैं, तो आप लोग हर साल, जैसे ये वीडियो अभी बन रहा है इस परिवेश के हिसाब से, अब अगले साल का जो डेटा आएगा उसके हिसाब से आप बाद में एडिट कर सकते हैं, या फिर मैं बीच बीच में जब इकोनॉमिक सर्वे का डेटा आएगा तो उसको मैं वीडियो लेक्चर के थ्रू उसको अपडेट कर लूंगा। अब इनका 2017-18 के जीएसडीपी का जो अनुमान है, जीएसडीपी एक जीडीपी होता है, ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और उसके वो स्टेट का भी अलग अलग, हर स्टेट का अपना जीएसडीपी होता है। तो ये जो जीएसडीपी है जो कि कांस्टेंट की वैल्यू लेते हैं हम लोग, जैसे एक करंट होता है एक कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट की ऊपर हम लोग देखते हैं 23320 करोड़। ये एक्सपेक्टेड था कि इतना जो रेवेन्यू है वो मिनरल से हमारे जीएसडीपी में सपोर्ट करेगा, ठीक है, 23,320 करोड़। अगर हम लोग 2016-17 का, क्योंकि ये तो एक्सपेक्टेड डेटा था, 2016-17 का जो डेटा था उसके हिसाब से अगर हम लोग देखें तो देखिए टोटल हमारा इंडिया में 237,730 करोड़ रुपए का मिनरल एक्सप्लोर हुआ था, ठीक है। ये इंडिया का डेटा है, 237,730 करोड़ रुपए के जो मिनरल हैं वो इंडिया से, इंडिया पूरे इंडिया में एक्सप्लोर हुए थे। जबकि अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो ये है 22743 करोड़, ठीक है। तो इतना जो डेटा है, इतना जो रेवेन्यू है वो हमारे छत्तीसगढ़ से जनरेट हुआ मिनरल्स में, ठीक है। अब अगर मैं इसका परसेंटेज देखूं तो ये जो परसेंटेज है वो लगभग 9.6% है। मतलब अगर पूरे देश में जितना मिनरल एक्सप्लोर हुआ है, जितने पैसे का मिनरल एक्सप्लोर हुआ है, उसका 9.6% हमारे छत्तीसगढ़ से एक्सप्लोर हुआ है, ठीक है। तो ये डेटा, और ये आप लोगों को इसलिए इम्पोर्टेंट है ये डेटा क्योंकि ये पिछले 5 साल का सबसे हाईएस्ट है, ठीक है, हाईएस्ट इन पास्ट 5 इयर्स, इसलिए ये डेटा काफी इंपॉर्टेंट है। 9.6% 22743 करोड़ रुपए का टोटल एक्सप्लोरेशन हुआ था हमारे छत्तीसगढ़ में, और पूरे इंडिया में 237,730 करोड़ का, और जो कि ये डेटा है 9.6%। अब आते हैं हम लोग रेवेन्यू इनकम की बात करते हैं, ठीक है।
इनकम तो अलग अलग टाइप के इनकम होते हैं हमारे स्टेट में, ठीक है, इंडिया जो नेशन में कैपिटल इनकम होता है, रेवेन्यू इनकम होता है। तो हम लोग कैपिटल इनकम तो ये है नहीं, ये है एक रेवेन्यू इनकम। तो हम लोग रेवेन्यू इनकम की बात करते हैं। रेवेन्यू इनकम, अब देखिए इनकम का जो ये क्लासिफिकेशन है रेवेन्यू इनकम, तो हम लोगों को रेवेन्यू इनकम में मिनरल रिसोर्सेस से कितना मिलता था ये देख लेते हैं। 2015-16 में टोटल मिनरल से छत्तीसगढ़ को रेवेन्यू इनकम होता था 3710 करोड़ का। ये रेवेन्यू इनकम है ऑफ छत्तीसगढ़, ओके। और इसके बाद अब आते हैं हम लोग 2016-17 का जो डेटा है उसमें देखते हैं। तो 2016-17 में जो रेवेन्यू इनकम हुआ हमारे मिनरल रिसोर्सेज से वो है आपका 4141 करोड़। तो ये डेटा को आप लोगों को याद रखना है, 4141 करोड़, ठीक है। देखिए इसमें तो ये टोटल लगभग 4141 करोड़ में 96% और 4%, जो 96% जो 94% एंड ये 6% है। तो जो 94% है ये मेन मिनरल्स जो है उससे रेवेन्यू जनरेट होता है, ठीक है, मेन मिनरल्स। आगे मैं चैप्टर में बताऊंगा कि कौन से मेन मिनरल्स है और बाकी जो सब्सिडियरी या माइनर मिनरल्स जिसको बोलते हैं उससे हम लोग 6% के रेवेन्यू इनकम जनरेट कर पाए, ठीक है। तो ये हम लोग जैसे कोल हो गया, ठीक है, इसमें हम लोग देख लेते हैं कोल, आयरन, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, बॉक्साइट, टिन, ये सारे जो है वो मेन मिनरल्स है, उनसे हमारा जो रेवेन्यू होता है वो 94% इससे ही जनरेट होता है। 6% जो होते हैं आपके वो इससे होते हैं, छोटे छोटे यूरेनियम हो गए, फिरैकल हो गए, ठीक है, एलेक्जेंड्राइट हो गए, तो ये सब माइनर मिनरल्स में आ जाते हैं। और ये टोटल करके हमको रेवेन्यू इनकम कितना हुआ 4141 करोड़ का, इससे पहले कितना हुआ था 3710 करोड़ का, ओके। अब अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए कि टोटल हमको रेवेन्यू इनकम जितना हुआ था, मतलब रेवेन्यू इनकम, रेवेन्यू जहां जहां से हो रहा है हमको जो रेवेन्यू इनकम है उसमें से मिनरल से इतना हो गया। अब ये कितना परसेंटेज है टोटल रेवेन्यू इनकम का, तो ये है आपका 27% ऑफ टोटल रेवेन्यू इनकम, ठीक है। तो जो छत्तीसगढ़ को टोटल रेवेन्यू इनकम हुआ था उसका 27% आपको मिनरल से मिला है और उसकी जो डेटा है वो कितना है 4141 करोड़ रुपए। उसके बाद अगर हम लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज देखें तो मिनरल रिसोर्सेज के तौर पे कोरबा नंबर 1 पे चलता है और सेकंड नंबर पे दंतेवाड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है वो मिनरल्स पे चलता है, ठीक है। आप लोग सबको पता होगा कोरबा कोल्स के लिए फेमस है और दंतेवाड़ा आयरन ओर के लिए फेमस है। बेलाडीला माइंस यहाँ पे है, ठीक है, गेवरा, कुसमुंडा और सारे माइंस कोरबा में है। तो ये फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड नंबर पे दंतेवाड़ा है। अब अगर हम लोग देखें 2016-17 का ही जो 6% माइनर मिनरल्स हमको जो रेवेन्यू इनकम जनरेट कर रहे हैं उनका अगर मैं बात करूं तो ये टोटल जो वर्थ है वो है 68,77,16 आपका, ठीक है, इसको हम लोग लैक्स में देखते हैं। तो ये टोटल माइनर मिनरल्स का जो प्रोडक्शन हुआ वो इतने लाख का प्रोडक्शन हुआ था हम लोगों को, ठीक है, 68,716, ओके। तो ये हम लोग के छोटे छोटे जो फैक्चुअल डेटा थे वो हमारा इकोनॉमिक सर्वे थे, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स मेरे को ये कमेंट में कर रहे थे कि आप सर इकोनॉमिक सर्वे थे, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है कि अलग से इकोनॉमिक सर्वे की क्लास करें, तो इसमें जितना मर्ज हो सकता है उतना हम लोग कर लेते हैं। अब हम लोग कुछ फैक्चुअल डेटा देख लेते हैं, जैसे कि ये मिनरल को मिनरल्स के लिए एक छत्तीसगढ़ में डिपार्टमेंट बनाया गया था, कॉरपोरेशन बनाई गई थी जिसको बोलते हैं CMDC, छत्तीसगढ़ CMDC, इसका फुल फॉर्म है आपका छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है, छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। अब ये बना कब था, तो ये बना था आपका 7 जून 2001 में, ठीक है।
तो 7 जून 2001 में इसका निर्माण किया गया था छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, और ये रिस्पॉन्सिबल होती है यहाँ की मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए। और अगर देखा जाए तो देखिए दो टाइप के मिनरल्स होते हैं, एक होता है मेटलिक मिनरल और एक होता है नॉन मेटलिक मिनरल जिसमें मेटल की मात्रा नहीं पाई जाती है। तो अगर ऐसा पोल देखा जाए, पूरे छत्तीसगढ़ को देखा जाए, तो मेटलिक मिनरल मेनली साउदर्न पार्ट में मिलते हैं। छत्तीसगढ़ के जो साउदर्न पार्ट है, बस्तर प्लेटू है, वहां पे मेटलिक मिनरल मिलता है। और नॉन मेटलिक मिनरल हमारे जो नॉर्थ वाला पार्ट है वहां पे, प्लस जो सेंट्रल पार्ट है हमारा बिलासपुर रायपुर संभाग वाला जो एरिया है, दुर्ग वाला एरिया, वहां पर नॉन मेटलिक मिनरल मिलते हैं। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन याद रहेगा। अगर जैसे ही कोई मिनरल दिखता है, अगर वो पूछा जाता है कि वो मेटलिक है नॉन मेटलिक है, तो वो कहाँ पाया जाएगा, तो आप लोगों को एक अंदाजा लग जाएगा कि ये साउदर्न पार्ट में है, नॉर्थ और सेंट्रल पार्ट में है। अब एक और चीज आप लोगों को याद रखनी है, वो ये है कि जैसे इंडस्ट्रीज के लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनती है, ऑटोमेशन पॉलिसी बनती है, सोलर पॉलिसी बनती है, अलग अलग टाइप की पॉलिसी बनती है, वैसे ही मिनरल को एक्सप्लोर करने के लिए, मिनरल के मैनेजमेंट के लिए एक पॉलिसी बनती है, उसका नाम है मिनरल पॉलिसी। तो ये कब बनी थी लास्ट बार, तो मिनरल पॉलिसी आई थी, उसका ईयर है 2001 पे, ठीक है। तो 2001 पे CMDC भी फॉर्म हुआ था, और उसके बाद मेटलिक और नॉन मेटलिक का अपन देख लिए, एंड देन ये। अब हम लोग आते हैं हमारे फर्स्ट जो मिनरल है उस पर हम लोग आज डील करते हैं, वो है कोल। कोल को आज हम लोग अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं, एंड देन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे के मिनरल रिसोर्सेज पे आगे बढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग प्रायोरिटी वाइज आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो कोल के बारे में आज हम लोग पढ़ते हैं। अब एक चीज याद रखिए, देखिए कोयला क्यों काम आता है, जनरली मेजरली हम लोग थर्मल पावर प्लांट में यूज करते हैं कोयला, ठीक है। तो वो क्यों काम आता है, क्योंकि हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है, वहां पानी आता है, पानी को गर्म करने के लिए कोयला का यूज होता है, फिर पानी भाप में कन्वर्ट होता है स्टीम में, और देन स्टीम फिर टर्बाइन को रोटेट करती है, तो वो उसका फर्दर प्रोसेस होता है। तो ये जो कोयला यूज होता है वो आता कहाँ से, एंड देन पूरे इंडिया में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, जहां एनर्जी बनता है जो थर्मल पावर प्लांट में, तो उसमें 3/4 पार्ट ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट, जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है उसका 3/4 पार्ट तो सिर्फ और सिर्फ कोयले से ही आता है। कोयला ही सेटिस्फाई करता है एनर्जी रिक्वायरमेंट का 3/4 पार्ट, लगभग 75% हम लोग को कोयले से ही होता है। और अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए, ठीक है, इंडिया में ये हालत है कि 75% हम लोग डिपेंडेंट हैं कोयले पे। छत्तीसगढ़ की बात की जाए कि छत्तीसगढ़ में जो एनर्जी डिमांड है, एनर्जी रिक्वायरमेंट है, उसको कोयला कितना परसेंट पूरी करता है, तो वो है 98%, ठीक है। तो आप लोगों को डेटा समझ में आ रहा होगा कि 90 हम लोग कितना डिपेंडेंट है छत्तीसगढ़ कोयले पे, और इंडिया में भी 75% डिपेंडेंट है हम लोग, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा इसका डेटा देखते हैं कोयला का, कि कितना इसका रिजर्व है और कितना इसका प्रोडक्शन होता है। तो हम लोग इसका रिजर्व देखते हैं, ठीक है, एंड देन हम लोग इसका इसका जो रिजर्व है कोयले का हमारे छत्तीसगढ़ में, वो है 547912। तो 54912 आप लोग नंबर से याद कर लीजिए तो अच्छे है, नहीं तो आप बोलते जाएंगे 54912, तो वो इतना लंबा जो बोलने का है उसमें ही दिमाग फटक जाता है। तो 54912 ऐसे ही आपको जैसे फोन नंबर पहले याद हो जाया करते थे, वैसे ही ये डेटा भी याद हो जाएंगे 54912, ठीक है। तो ये 54912 मिलियन टन हमारा रिजर्व है, ये एस्टिमेटेड किया गया है कि इतना रिजर्व हमारे पास कोयला है छत्तीसगढ़ में। अगर इसका परसेंटेज देखा जाए कि पूरे इंडिया में जितना रिजर्व है उसका ये कितना परसेंटेज है, तो
तो आप लोगों को परसेंटेज याद होना चाहिए, वो है 17.91%। ठीक है, तो 17.91% आप लोगों को एकदम याद होना चाहिए ये डेटा से, क्योंकि ये तो पूछते ही है एग्जाम हॉल में। ठीक है, 17.91% ये है 54912 मिलियन टन। अगर रैंकिंग देखा जाए कि पूरे इंडिया में अलग अलग जगह कोल रिजर्व है, तो हमारे छत्तीसगढ़ में तो चलो इतना है, इतना परसेंटेज है, तो ये रैंकिंग वाइज कौन से नंबर पे है, तो रैंकिंग वाइज ये थर्ड नंबर पे है। अब अगर इसका देखा जाए तो झारखंड, देन उड़ीसा एंड देन आपका आता है छत्तीसगढ़। तो झारखंड में सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है, देन उड़ीसा में पाया जाता है, एंड देन छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। और अगर इसका मैं टाइप बोलूं कि ये कौन से टाइप का पाया जाता है, तो हमारे यहाँ जो रिजर्व है वो मेनली कोयले का एक प्रजाति है जिसको बोलते हैं बिटुमिनस कोल। तो यहाँ ये सेकंड नंबर का अच्छे क्वालिटी में आते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ बिटुमिनस कोल की, बिटुमिनस टाइप के कोल के मिलते हैं हम लोग। ठीक है, और उसके बाद हम लोग आते हैं प्रोडक्शन में, कितना हमारे पास रिजर्व था, अब हम कितना प्रोड्यूस कर पा रहे हैं वो हम लोग देखते हैं। तो हम लोग टोटल इतने मिलियन टन में हम लोग 13.19 लाख टन प्रोड्यूस कर पाते हैं। ठीक है, तो 13.19 लाख टन कोयला हम लोग हर इतना हम लोग पिछले साल तक प्रोड्यूस कर पाए थे। ठीक है, अगर इसका परसेंटेज देखा जाए तो ये 21.16% है आपका टोटल प्रोडक्शन का, मतलब पूरे इंडिया में जितना प्रोडक्शन हुआ होगा उसका 21% हमारे छत्तीसगढ़ में ही पाया जाता है। और इसका अगर रैंक देखा जाए तो रैंक ये फर्स्ट है, मतलब हम लोग थर्ड नंबर पे रिजर्व है हमारे पास, बट हम लोग प्रोडक्शन इतना ज्यादा करते हैं कि हम लोग फर्स्ट नंबर पे प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। ठीक है, अब अगर मैं ये देखूं कि प्रोडक्शन तो हो रहा है हमारे छत्तीसगढ़ में, लेकिन हमारी जो मिनरल रेवेन्यू है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले इकोनॉमिक सर्वे डेटा से बताया था कि हमको इतने मिनरल रेवेन्यू मिल रहे हैं, तो मिनरल से जितना रेवेन्यू हो रहा है उसका 47% अकेला कोयला देता है, 47% मिनरल रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम कोल। ठीक है, तो जितना मिनरल से हमको रेवेन्यू हो रहा है उसका 47% तो सिर्फ कोयले से हमारा रेवेन्यू हो रहा है, इसीलिए इतना हमारे पास रिजर्व है, इतना प्रोडक्शन हो रहा है, इसीलिए हमारे स्टेट में इतने सारे थर्मल पावर प्लांट है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं एरिया वाइज अगर देखें हम लोग, तो अब इसको मैं थोड़ा मिटाता हूं और हम लोग मैप में जाते हैं और एरिया वाइज हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, हम लोग एक हल्का सा मैप बना लेते हैं जिसमें हम लोग देखते हैं। पूरा छत्तीसगढ़ का मैप नहीं बना रहा क्योंकि पूरे छत्तीसगढ़ में कोयला नहीं पाया जाता। ठीक है, लगभग यहां पे एंड देन यहां पे, वैसे तो मैं चाहिए, चलिए इसी में बना लेता हूं। तो ये हम लोग का छत्तीसगढ़ का नॉर्दर्न पोर्शन हो गया और हमारा बिलासपुर डिवीजन हो गया। अब अगर हम लोग देखें कि कोयला मेनली कहां कहां पाया जाता है, तो आपका यहां पे पाया जाता है। ठीक है, कोरिया, सूरजपुर में, बलरामपुर में और आपका सरगुजा में, जशपुर में बॉक्साइट ज्यादा पाए जाते हैं, कोयला बहुत कम पाया जाता है। ठीक है, तो उसको हम लोग कंसिडर नहीं करते, एंड देन हम लोग कंसिडर करते हैं कोरबा को एंड देन आपके रायगढ़ को। तो ये जो मेजर डिस्ट्रिक्ट हैं वो हमारे छत्तीसगढ़ में कोयला के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, और उसमें जो सबसे नंबर वन पे है वो है आपका कोरबा। कोरबा में सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है और वहां से मैकेनाइज तरीके से निकाला भी जाता है। तो अगर हम लोग देखा जाए कि मैकेनाइज्ड कोल माइंस कहां पे हैं, अगर पूछा जाए तो उसका आंसर है
कुसमुंडा गेवरा ठीक है एंड देन कोरबा। तो यहां पे मैकेनाइज्ड कोल माइंस पाए जाते हैं ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए कि बिगेस्ट रिजर्व हमारे छत्तीसगढ़ का जो आज के डेट पे कोयला का कहां पे है तो यहां पे है ठीक है। ये इसको बोलते हैं मांड घाटी मांड रिवर वैली मांड रिवर वैली ओके। ये एक ओपन कास्ट माइन है मांड रिवर वैली। अब हम लोग छोटे छोटे कुछ जगहों को देख लेते हैं इसमें क्योंकि देखिए डिस्ट्रिक्ट वाइज तो मैंने बता दिया कि यहाँ 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 पे है लेकिन अगर वो पर्टिकुलर एरिया वाइज चलता है कि ये पर्टिकुलर लोकेशन में क्या पाया जाता है तो वो नाम आप लोग एक एक बार याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे एक मतलब एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है लेकिन आप लोग समझ जाइए कि यहाँ पे मैं यहाँ लिखते जाता हूँ ठीक है। ये है आपका सोहागपुर कोरिया में सोहागपुर नाम जगह है वहां पे है ये मैं लिखते जाता हूँ जहां जहां पे कोयले का मेन मेन लोकेशन है वहां वहां पे सोहागपुर है कुरसिया है ठीक है। फिर आता है इसी में आता है सोनहट और नीचे साइड आता है चर्चा फिर मनेंद्रगढ़ है मनेंद्रगढ़ एंड देन चिरमिरी चिरमिरी एंड देन झगरा खंड। तो ये टोटल आपको तीन छह सात नाम बाकी और भी अलग अलग छोटे छोटे और भी जगह हैं लेकिन ये नाम को याद रखना ही है सोहागपुर कुरसिया सोनहट सोनहट चर्चा देन मनेंद्रगढ़ चिरमिरी एंड झगरा खंड। ये एरिया आपके कोयला प्रोड्यूस करते हैं कोरिया में। अगर आप सूरजपुर आ जाएं तो सूरजपुर में राम कोला करके जगह है राम कोला विश्रामपुर विश्रामपुर को तो आप लोग और अच्छे तरीके से जानते होंगे क्योंकि यहाँ पे SECL का सेकेंड हेडक्वार्टर यहीं पे है। उसके बाद एक और जगह है उसको बोलते हैं झिलमिली झिलमिली। तो ये तीन जगह आप लोगों को याद रखना है सूरजपुर में रामकोला विश्रामपुर एंड झिलमिली। देन यहाँ पे अगर हम लोग आते हैं तो यहाँ पे आता है टाटा पानी और भी वजह से फेमस है यहाँ पे जियोथर्मल पावर प्लांट भी प्रपोज है और एक है शंकरगढ़ शंकरगढ़ भी आपका फेमस है कोल माइंस के लिए। सरगुजा का एक माइंस आप लोगों को याद रखना है वो है लखनपुर और भी हैं मैं पहले ही बता दे रहा हूँ और भी जगह हैं लेकिन ये नाम को तो एटलीस्ट आप लोगों को याद रखना है ठीक है। उसके बाद रायगढ़ में आ जाएं तो देखिए यहाँ वाला जो एरिया है उसको बोलते हैं मांड रिवर वैली। मैं वाटर रिसोर्स में बताया था यहाँ पे मांड नदी बहती है तो उसी का जो रिवर घाटी होगा वो मांड रिवर वैली है। यहाँ पे एक जगह है जिसको बोलते हैं धरम जगड़ वहां पे कोल माइंस है। एक जगह है जिसको बोलते हैं छाल छाल भी कोयले के लिए फेमस है एंड देन एक जगह है ऊपरी में जहां पे है घरघोड़ा ये सब रायगढ़ जिले में आते हैं घरघोड़ा। तो ये एटलीस्ट इतने नाम आप लोगों को याद रखना है इससे भी और नाम होंगे लेकिन एटलीस्ट इतने को तो याद रखना ही है। और अगर कोरबा में आ जाए तो कोरबा में आता है सिंदूरगढ़ देन दीपका कुसमुंडा एंड देन मानिकपुर और एक और है गेवरा। और अगर बिलासपुर को देखें तो एक है रामपुर वो हसदेव रामपुर वाला जो बेसिन है वो यही है ठीक है। तो ये छोटे छोटे लोकेशन हो गए आपके कोल रिसोर्सेस के। कोल रिसोर्सेस का हमने रिजर्व भी देख लिया हमने प्रोडक्शन देखा हम लोगों ने उसका शेयर परसेंटेज हर कुछ डेटा देखा और थोड़ा सा इकोनॉमिक सर्वे भी हम लोगों ने कवर कर लिया। तो ये कोल जो मेजर 47% रेवेन्यू हमको जनरेट करवाता है वो हम लोगों ने आज स्टडी कर लिया।
अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे तो हम लोग आयरन ओर और लाइमस्टोन, डोलोमाइट, बॉक्साइट, टिन वगैरह देखेंगे। इस लेक्चर के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।